नमस्ते, मैं हर बार हर वीक पे आता हूं और आपको एक बढ़िया सा टेक्नो फंडा स्टॉक देके जाता हूं, जहां पर हम लोग स्क्रीन पे टेक्निकल्स भी देखते हैं और फंडामेंटल्स भी देखते हैं। उसका रीजन ये रहता है कि ये जो टेक्निकल और फंडामेंटल चल रहे हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, कि एक स्टॉक में टेक्निकल मूव तो आया ही आया, बट वो क्यों आया वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये फंडामेंटल्स ड्रिवन है या नहीं है, मार्केट बेस्ड है, न्यूज बेस्ड है, या हो सकता है स्पाइक आए और वापस से गिर जाए, इसलिए फंडामेंटल देखना भी इंपॉर्टेंट है। चलते अपने एनालिसिस पे। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहां पर क्या होता है, मैं जब भी आता हूं मंथ की स्टार्टिंग में 4-5 स्टॉक देता हूं या सेक्टोरियल एनालिसिस करते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने डाला था 4 बेस्ट स्टॉक्स टू बाय फॉर रियलिटी सेक्टर। क्या बढ़िया मैसिव मूव आया, DLF, फिर उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैसिव रिटर्न्स। और उससे पहले हम लोगों ने जो सेक्टोरियल एनालिसिस करे थे वो यहां पर हमने होटल के करे थे, जहां पर होटल में रॉयल ऑर्चर्ड, फिर उसके बाद इंडियन होटल्स, बढ़िया सा सुपर रिटर्न मिला। इसी तरीके से आज देखने वाले एक बढ़िया सा फंडामेंटल स्टॉक और देखेंगे कि इसके टेक्निकल्स क्या चल रहे हैं, फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने एनालिसिस पे। आज जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है लंबोदरा टेक्सटाइल। डेफिनेटली लंबोदरा टेक्सटाइल में मुझे यहां पे क्लियरली मूव दिखाई दे रहा है कि यहां पर एक मैसिव मूव तो आ ही आया, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मैसिव मूव क्यों आया। टेक्निकल्स तो डेफिनेटली ये बयां कर रहा है कि लास्ट टाइम की ये जो रेंज थी ये उससे बाहर निकला है, चाहो तो छोटा सा फ्लैग ड्रॉ कर सकते हो, बट क्वेश्चन ये है कि क्यों, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके लिए चलेंगे फंडामेंटल्स की तरफ। चलते हैं अपने फंडामेंटल्स पे विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम के आसपास। स्टार्ट करते हैं एज ऑलवेज प्रमोटर होल्डिंग से। अब प्रमोटर होल्डिंग्स में क्या क्या है इस टाइम, वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग्स देखता हूं तो मुझे क्या क्या देखने को मिला, 72.65, थोड़ा सा बढ़ाया 72.73, फिर थोड़ा बढ़ाया 72.95, 73.1 के आसपास। ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर ने बढ़ाया है, बट उससे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, वो है ये प्लेज। नॉलेज पर्पस से ऐसे समझते हैं प्लेज है क्या। देखो, जब भी प्रमोटर को लोन लेना है तो वो या तो फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनमें से कुछ रखेगा, या हो सकता है ये अपने शेयर्स को प्लेज कर दे, मतलब प्रमोटर के पास जो होल्डिंग्स है उसको प्लेज कर दिया। अब ये इंडस्ट्री में बुरा माना जाता है, वो क्यों, सपोज करो अगर प्रमोटर ने ये लोन पे ऑफ नहीं करा टाइम से, तो जिसके पास प्लेज रखा है यूजुअली बैंक के पास या किसी और बंदे के पास, अब वो इसका मालिक बन गया। अब आपने लंबोदरा टेक्सटाइल या किसी भी कंपनी में पैसा लगाया उसके प्रमोटर को देख के, मैनेजमेंट को देख के, बट मैनेजमेंट चेंज हो गई, इसलिए ये चीज बुरी मानी जाती है। बट यहां पे एक चीज क्या है कि ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं फैक्टर इन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑलरेडी 5 क्वार्टर पुराना है। यहां पर मैं देख सकता हूं क्लियरली ये मार्च 2022 लास्ट ईयर से चल रहा है, इसलिए ये ऑलरेडी चार्ट पर कहीं ना कहीं आ चुका। एक काम करते हैं चार्ट भी देख ही लेते हैं कि जब से ये चल रहा था तब से लंबोदरा की कहानी क्या थी। हाँ बोलो, जब से ये था तब से यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक डाउन ट्रेंड है, फिर बुल मार्केट आना शुरू हुआ और ये कहीं ना कहीं यहां पर सीज जारी, जो प्लेज था वो कहीं ना कहीं फैक्टर इन हो चुका है। ठीक है, चल चलते हम नेक्स्ट पार्ट पे, क्वार्टर रिजल्ट्स और बैलेंस शीट देखते हैं और वापस से जल्दी से क्विकली अपने लेवल्स की तरफ आते हैं। सेल्स की बात करें तो डेफिनेटली सेल्स में तो एक ग्रोथ थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, 47 से जंप होके 47.5 के आसपास हुआ, 56 अच्छा जंप आया, 57 और वापस से 53, तो ये तो क्लियर हो गया कि 50 करोड़ के आसपास की यही है इनकी एवरेज सेल्स के आसपास हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर अगर चलते हैं कि नेक्स्ट पार्ट पे कंपनी के पास पैसा बचता कितना है, मुझे वो बताओ कि कंपनी के पास सेल्स करने के बाद बचता कितना है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आ जाते हैं सीधा अपने पैट के पार्ट पे। तो पैट क्या बोलता है, पहले तो यहां पर कंपनी के पास 4.56 के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है, ऐसे समझते हैं नॉलेज पर्पस से, आपने सेल्स करी उसमें से एक्सपेंस माइनस करे, उसमें से इंटरेस्ट, टैक्स, ये वो सब मिला के शुद्ध लाभ जिसे बोलेंगे वो बचा हुआ है। तो यहां पर 4.6 से जंप हुआ 3.65, 5.38, 6 और वापस से क्योंकि थोड़ी सी सेल्स ड्रॉप हुई तो 5.39। तो ऑन एन एवरेज 5.5 करोड़ के आसपास का हर क्वार्टर में प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ताकि 50 करोड़ की सेल है तो ऑन एन एवरेज 10% के मार्जिन लेके चल रहे हैं, दैट इज फेयर एनाफ। ठीक है, अब चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पे एक बार, और वापस से बैलेंस शीट के बाद हम लोग जाने वाले हैं इसके वीकली लेवल्स
के पास में कि वीकली लेवल्स क्या चलता है चार्ट का। 4.79 बहुत ही छोटी सी कंपनी है, 4.79 की इक्विटी है इनके पास जो कि बढ़ के अब हो गई 5.19 के आसपास। रिजर्व्स की तरफ नजर मारे 45 बढ़ के हुआ 40, थोड़ा सा ड्रॉप आया 44, वापस बढ़ा 57, वापस बढ़ा 63, बट ये जो 57 से 63 बढ़ा है ये इक्विटी बेस के बढ़ने की वजह से बढ़ा है। फिर उसके बाद 5.19 का 5.19 है, इस साल में समझ आता है कि अच्छा खासा रिजर्व्स बढ़ा है, 63 से 78 का जंप आ गया, दिस इज फेवरेबल, ये बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, नीचे कंपनी के एक बार डेट वगैरह भी देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कंपनी की क्या बोलती है। 34 से 34 सेम, 44 थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा ड्रॉप 42 और वापस है 44, दो रिजर्व्स के कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट हाफ के आसपास है, बट यहां पर जिस हिसाब से रिजर्व्स है यहां पर लाइबिलिटीज को थोड़ा सा और कम किया जा सकता है ताकि इंटरेस्ट बच जाए और वो डायरेक्टली पैट और ईपीएस में रिफ्लेक्ट करने लगे। ठीक है, चलते हैं जल्दी से अपने वीकली लेवल्स पे कि स्टॉक के वीकली लेवल्स क्या बोलते हैं। अब देखो पहली बार तो यहां पर देख के एक बारी को लगा होगा कि यार ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी ना रैली मिस हो गई, यहां पे 140 से लेकर अब एक महीने में 140 से लेकर 200 रुपए तक की रैली आई है, यानी कि यह तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहां पर 30-35% से ऊपर का मूव आया है। बट क्वेश्चन, क्या रैली मिस हो गई? Definitely not. एक काम करते हैं, अगर इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो यहां पर क्या देखने को मिलता है वो देखना जरा। ये आ गया वीकली चार्ट नंबर वन, डेफिनेटली यहां पर एक अच्छा खासा इनसाइड बार ब्रेकआउट आया है। अब लोग ये कैंडल, ये पहली कैंडल बनी यहां पर, ये जो कैंडल है इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 1-2-3 क्लोजिंग नहीं दी, 4-5 और जाकर फाइनली क्लोजिंग दी, ये भी ऊपर गया बट नीचे की तरफ आ गया था, अब जाकर इसने क्लोजिंग दी है। यहां पर भी अगर मैं लॉन्ग टर्म होराइजन पे देखूं तब जाके इसने अच्छा वीकली चार्ट पर भी फ्लैग ब्रेकआउट दिया है। जब मैंने इसका चार्ट कंप्रेस करा तो देखने को क्या मिला जरा वो समझते हैं। ये एक ऐसा लेवल था जो स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा था, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, यहां पर ध्यान से देखना, जैसे ही ये रेजिस्टेंस क्रॉस हुई ये ब्रेकआउट आया, वापस से एग्जैक्टली इसी लेवल पर आया, 130 के लेवल्स पर आया, यहां पर एक वापस से रीटेस्टिंग करी और वापस से ऊपर की तरफ उड़ने के लिए रेडी हो गया, नंबर वन। नंबर टू, जब इसके चार्ट को और कंप्रेस किया जाए, वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं, वीकली चार्ट को यहां से मैं और कंप्रेस करता हूं तो देखना यहां क्या मिला। लग रहा है कि प्रीवियस सारी रेजिस्टेंस क्रॉस करके एक पूरा अच्छा खासा राउंड बॉटम में भी बना सकता है, बट डेफिनेटली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये राउंड बॉटम जो पैटर्न्स होते हैं ये उन लोगों के लिए जो पेशेंस रख सकते हैं। यहां पर अगर मैं कंसोलिडेशन देखूं 2016 से लेकर 2022-23 तक 6-7 साल जिसने ये पेशेंस रखा है वो डेफिनेटली यहां तक के लिए सोचेगा कि एक बारी को मैं पैसा कमाऊं। यहां पर अगर जल्दी से काम करते हैं, वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं और लेवल्स क्या चल रहे हैं वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं किस लेवल पे यहां पर स्टॉक को रखने वाला हूं। चलो, स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम 207 रुपए के आसपास, 207 के आसपास ये एक सपोर्टिव जोन डेफिनेटली मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि यहां से ही स्टॉक रीटेस्ट होकर गया था, तो डेफिनेटली 130 है, स्टॉप लॉस डेफिनेटली थोड़ा सा दूर है, तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैं यहां पर क्वांटिटी अपनी एडजस्ट करने वाला हूं कि मैं इतना रिस्क लूंगा और इतना स्टॉप लॉस है तो उसी हिसाब से मैं स्टॉक में अपनी क्वांटिटी एडजस्ट करने वाला हूं। टारगेट की बात करें जल्दी से क्विकली तो यहां पर राउंड बॉटम के फेवर से मैं डेफिनेटली टारगेट निकालने वाला हूं। पहली एक जो रेजिस्टेंस जोन यहां पर दिखाई दे रही है मुझे, दैट इज समथिंग अराउंड 300 के आसपास, और दूसरी जो जोन दिखाई दे रही है वो 480 के आसपास आ रही है। डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, फंडामेंटल्स में थोड़ा सा इंप्रूव और चाहिए, डेफिनेटली सेल्स थोड़ी सी और बढ़ती है या प्रमोटर प्लेज कम करता है तो यहां पर एक चार चांद लग जाएंगे, मैसिव मूव आ सकता है। यह थे लंबोदरा टेक्सटाइल के टेक्नो फंडा एनालिसिस, जहां पर हमने टेक्निकल पार्ट देखा, फंडामेंटल देखा। वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।